अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुदरत निबात के साथ जोला के साथ आज हाज़र हैं। बड़े दिन से व्लॉग नहीं बनाया, आज हम आरे मशीन पर आए हैं। जो भट्ठे का जो काम है ना, उसकी वजह से लकड़ हमने स्टॉक की थी, लकड़ को छोटा करवाना है। पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन वो सामने रक्षा हम दिखा सकते हैं। इस रक्षे पर आए थे सैम बख्श, आपको दिखा सकते हैं, आपको शायद रक्षा नज़र आ रहा है या नहीं। ये सैम बख्श पिताफी की, ये जो एक कांटा मशीन है, कंप्यूटर भी है, मशीन भी है, आरा मशीन उधर आया है। तकरीबन 22 मन इनकी जो है लोड बना है। उस किराए रक्षे वाले को किराया भी हमने दिया है, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो लेकिन इस इधर जो बड़े बड़े लोग शौक करते हैं, ये मुर्गा है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये है छोटा सा मुर्गा, आप लोग देख सकते हो, ये मुर्गा है। पता नहीं कौन सी नस्ल का है, कौन सी नहीं, ये बड़ा लड़ाका है, बड़ा लड़ाका है। उसके साथ ये भी एक पौधा है, इसका पता हमें नहीं है, लेकिन कौन सा पौधा है या कौन सा नहीं, आप देख सकते हो। ये इन्होंने पिंजरा एक बनाया था, बड़े छोटे पंछी थे बजरे वाले, तो ये बजरे वाले हैं। इसलिए मैंने कहा आप दोस्तों से, आप एडमिन से ये बातें डिस्कस करें। लेकिन हमारा जो उस्ताद है वो अभी आ गया है, हम आपको दिखा सकते हैं। वो सामने हमारा उस्ताद है, उस्ताद पीरबख्श, बड़ा उस्ताद है, लेकिन अच्छा काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा मटेरियल लेके आ गया है, क्योंकि जिसमें यह काम करता है बड़ी आरी लेके आया है। उन्होंने हमें कॉल की थी, ये ढेरकी से आया था, लेकिन बस हमारा काम भी हो जाएगा। ये इधर कांटे पे जो है ना, आ रहे मशीन पे, ये कुत्ते भी पालते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। ये मुर्गे भी पालते हैं सब चीज़। ये छोटी मुर्गी है, हम आपको दिखा सकते हैं, ये छोटी सी मुर्गी है, ये छोटी मुर्गी है। इसलिए मैंने कहा आप ऑडियंस से, आप व्यूअर से कुछ बातें डिस्कस करें, शायद आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटी मुर्गी है, छोटे बच्चे हैं मुर्गी के। ये देख दिखा सकते हैं, ये रोड के साथ है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, रोड भी बन रही है। दूर दूर से हम आपको दिखा सकते हैं, वो जो लगा रहे हैं अपना, तो ये जो है ना मुंजी का जो है ना बारियां शरा बना रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। वो है अपना मुंजी लगाने के लिए, पहले जो है ना कोई कचरा वगैरह लेके आते हैं, उसके साथ क्या करते हैं आप लोगों को पता है कि वो ज़मीन में बिछा के उसे आग दे देते हैं, इसकी वजह से वो अच्छे होते हैं, उसकी जर्मेशन अच्छी होती है। लेकिन जब हम उसे ज़मीन से बाहर शिफ्ट करते हैं तो आसानी से हो जाता है, वो पौधा टूटता नहीं है। इस वजह से मैंने कहा आप दोस्तों को कहें, लेकिन जो रक्षे वाले इधर आजकल किराया ले रहे हैं, बहुत महंगा ले रहे हैं। ये जो मेरी 200 ईंटें ले गया था, वो टाइल वाली ईंटें ले गया था, उस लिए उसने किराया जो मुझसे लिया था वो लिया था तकरीबन 700। अभी लकड़ लेके आया है, उसने मुझसे लिए थे 500। अभी मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यार थोड़े पैसे कम लो, लेकिन आपको तो पता है कि महंगाई का दौर है। इनकी तो बड़ी बड़ी मेहरबानी, लेकिन जो काम हमारा करता है, मैंने कहा आप दोस्तों से, आप ऑडियंस से ये बात डिस्कस करें। लेकिन मौसम भी बहुत ज़्यादा सही हो गया है, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हो गई है, अभी हमारा काम जो है चल रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा नुकसान हो रहा था, बारिश की वजह से ईंटें भी गल गई थी हमारे पास। बारिश जब होती है तो ज़ाहिर है दिल में डुबडुब होता है, इंसान के लिए नुकसान कराए। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं, सामने जो बना हुआ है ये एक पिंजरा है, सरकारी तौर हमें मिला है, इस सैमस को ये सरकारी तौर मिला है। इसमें क्या है, मुर्गे ये रखेंगे, क्योंकि ये मुर्गे इधर रखेंगे तो वो सामने ऑफिस बनी हुई है, हम आपको दिखा सकते हैं, सामने ऑफिस बनी हुई है। मैंने कहा आप दोस्तों से कुछ बातें डिस्कस करें, क्योंकि इस मसरूफियात की वजह से, कामकाज की वजह से व्लॉग्स नहीं बना रहे। इसलिए मैंने कहा ऑडियंस से आज 4-5 दिन के बाद एक व्लॉग बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए। अगर आप लोग हमें मिस करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये तो मेरा छोटा टूटा फूटा बाइक है, कल मैंने इनकी ये जो बत्ती लगाई थी अभी भी खड़क रही है, तो ये टायर भी न्यू डलवाया है 2400 का, इधर 2400 का यह टायर न्यू डलवाया है, इसलिए हम आपको बता सकते हैं। ये मेरे बाइक की जो किक जो है ना, ये टूट गई थी, ये टांका लगवाया था कटवा के, तो ये बाइक बदली हमने जो है तकरीबन 80 रुपये के लिए, 100 रुपये। तो मेरा दिल कहा कि मैं आप दोस्तों से इस तरह बातें शेयर करूं, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो, आप ऑडियंस हो, आप व्यूअर्स हो, आप हमें मिस करते, तो मैंने आपके लिए न्यू बातें लेके आता हूँ। ये जो कंप्यूटर कांटा चल रहा है, ये सोलर सिस्टम पे चल रहा है, हम आपको दिखा सकते हैं, सामने देख सकते हो, ये है सोलर सिस्टम पे, क्योंकि इधर आपको दूर दूर आपको लाइट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इधर सिंध में ज़्यादातर सोलर पैनल चल रहे हैं।
क्योंकि जहाँ लाइट होती है इधर हवा चलती है, खंभे वगैरह गिर जाते हैं, लेकिन बिल भी नहीं देते। आप लोगों ने बताना किसी को नहीं, ये सिंध वाले लोग इस तरह करते हैं। ये देहात वाले अक्सर लोग बिल नहीं देते, अगर बिल देने में तो तीन तीन पाँच पाँच दस दस लाख एक बंदे का बिल आता है, इसलिए हम नहीं देते। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना। अगले व्लॉग का इंसर मैं आपका दोस्त कुदरत। अस्सलाम वालेकुम।